कंपनियों को सीधा बैन लगाइए। हम लोग तो आधा चाइनीज सामान यूज कर रहे हैं। आज अगर बोल दीजिएगा कि चाइना के प्रति आपको कुछ भी कह दे, आज भी हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 साल रहे थे मनमोहन सिंह और वर्तमान में मोदी जी, आप गौर कीजिएगा इन लोगों का भी रुख चाइना के प्रति बहुत नरम होता है। उस समय भी होता था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के समय तो औरों कुछ नहीं था टेक्नोलॉजी, आज तो हम लोग के पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है। आज अगर बोल दीजिएगा कि चाइना के प्रति एक्शन लीजिए तो गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी बल्कि आप ही को समझाने लगेगी, व्यापार रुक जाएगा, ई हो जाएगा। अरे भैया हम किसी से लड़ेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत होगा, हम मार करने के लिए थोड़े कर रहे हैं। चाइनीज कंपनियों को सीधा बैन लगाइए कि ये प्रोडक्शन भारत में कीजिए, और नहीं तो नहीं लाने देंगे हम आपको। बहुत तरीका होता है ना, आप लीगली नहीं रोक सकते हैं। पूरी दुनिया का ही काहे रोक रहे हो, बंदरगाह पे रोक दो, जहजिया को क्लियरेंस से मत दो कि खड़े रहो। जैसे पटना जंक्शन का स्टेशन मास्टर सोच लेगी राजधानी को आज लगने नहीं देंगे, दानापुर में खड़ा करेगा 3 दिन, कुल नेता उतर के गरिया के सब राजधानी दानापुर में खड़ा कर दिया, हम पैदल जाते हो यहाँ पे लगा लेंगे। और उसके पास लीगली इलीगलिटी की कोई बातें नहीं है, वो कह देगा प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, जा प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 सब मालगाड़ी लगा के भर देगा। आप बहु 75 तो तरीका होता है, नहीं समझ में आया टॉर्चर करने का। तो यूएनओ में ना हम लोग भले नेहरू को कुछ भी बोले, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हो गए या कोई भी हो गए चाइना के प्रति सख्त रुख नहीं अपनाते, और हम लोग तो आधा चाइनीज सामान यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके इंजीनियर वगैरह भी सब चीज एकदम वो देखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, और हमारे यहाँ जो चीज चल रहा है चल रहा है, कोई नहीं दिखता है यहाँ पे, चल रहा है चल रहा है। बिहार में एक लिट्टी का दुकान खोलेगा, बगल में एक और लिट्टी का खोल देगा, एगो बर्गर का चल गया चौमिंग बर्गर तो एक और खोल देगा चौमिंग बर्गर। रूट लेवल से देखिए आप, रूट लेवल से 50 ठोस फास्ट फूड के आइटम्स हो सकते हैं, जाके दिल्ली कलकत्ता मुंबई देखो क्या चीज है, वहां ले आके इंट्रोड्यूस कर दो, धीरे धीरे चलने लगेगा यहाँ पे भी। जैसे दिल्ली में छोला कुलचा, यहाँ खोजते रह जाओगे नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिले। ऐसा थोड़ी कि पटना इतनी लाखों की आबादी में उसका एक और ठेला वाले का छोला कुलचा नहीं चलेगा, चलेगा लेकिन ना हमारा का जरूरत हो का लिट्टी चल रहा ना, हम वो लिट्टी ये सकेंगे। वहां दिल्ली में सब चीज चलता है, और चीज आप पोहा खोज रही है तुम यहाँ, बहुत खाने में यू है पोहा वगैरह, यहाँ पोहा बहुत कम में मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो हमारी मेंटेलिटी देख रहे हैं कैसी है।